सादर नमस्कार सम्मानित मित्रों, मैं जगदीश सोनी आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन की। इसी 30 अक्टूबर को राहु जो है वो मेष राशि को छोड़ रहा है बृहस्पति, और मेष राशि का साथ छोड़कर बृहस्पति की मीन राशि में आ जाएगा, यानी कि वक्री राहु, हमेशा वक्री रहने वाला राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि को छोड़ देगा और मीन राशि में प्रवेश करेगा, जहां राहु का भ्रमण पिछले 18 महीनों से चल रहा था, यानी कि 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु का भ्रमण जो था वो मेष राशि में था। तो मेष राशि से राहु निकलकर अब मीन राशि में आ रहा है, तो आपकी राशि पर इसका क्या असर रहेगा, किन राशि वालों के लिए अच्छा है और किन राशि वालों के लिए बुरा है, ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक राशि में 18 महीनों तक भ्रमण करने वाला राहु इसी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहा है, मेष राशि में आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि सभी 12 राशियों को कैसा फल मिलेगा। तो सबसे पहली राशि है मेष। इसके फर्स्ट हाउस में पहले भाव में बृहस्पति और राहु का भ्रमण है, तो राहु यहां से निकलकर 12वें घर में जाएगा। तो राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको सावधानी पूर्वक आगे चलना होगा। राहु का भ्रमण 12वें घर में हो तो व्यर्थ का खर्च और व्यर्थ का भ्रमण परेशान करता है। अगले 18 महीनों का समय आपको कुछ मुश्किलों में डाल सकता है, तो संयम से आगे बढ़ना चाहिए। अगली राशि वृष है। वृष राशि के 11वें घर में राहु का प्रवेश होगा, आपके लिए अगले 18 महीनों का समय बहुत अच्छा रह सकता है। आपको आर्थिक रूप से आपको बहुत मजबूती मिलेगी, आपके रुके काम भी बन सकते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान पक्ष के लिए ये समय बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। अगली राशि है मिथुन। इसके कैरियर हाउस में राहु का भ्रमण रहेगा, स्थान परिवर्तन का योग है, आपके व्यापार और नौकरी परिवर्तन का योग है, लेकिन अगले 18 महीनों का समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। अगली राशि है कर्क। इसके भाग्य घर में राहु का भ्रमण होगा, तो विदेश जाने की इच्छा रखने वाले इस राशि के लोग अगले 18 महीनों में विदेश जा सकते हैं, लेकिन अपने पिता के साथ आपके संबंधों में कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, आपको संयम से आगे बढ़ना चाहिए। अगली राशि सिंह है। सिंह राशि के अष्टम घर में राहु का भ्रमण आपके लिए अच्छा नहीं है, व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ का भ्रमण और व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए 12 अप्रैल 2022 से राहु का भ्रमण अष्टम में था, तो कन्या राशि के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जो पिछले ऑलमोस्ट 1.5 वर्ष से समय अशुभ था या परेशानियां थी, उन परेशानियों से कन्या राशि के लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए 8वें घर में इस समय राहु और बृहस्पति का भ्रमण है, तो राहु अलग होकर कन्या राशि के सप्तम स्थान पर आ जाएगा, तो काफी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगली राशि है तुला। इसके 6ठे घर में राहु का भ्रमण अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, राजनीति में जो लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रह सकता है, उन्हें कोई बड़ा मान सम्मान मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, और आर्थिक रूप से भी ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। तो अगले 18 महीनों का समय लिब्रा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगली राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के संतान घर में राहु का भ्रमण रहेगा, संतान के लिए ये समय कुछ ठीक नहीं है। जो महिलाएं वृश्चिक राशि की, जिन महिलाओं को आगे संतान उत्पत्ति की संभावना है, उनके लिए ये समय कुछ मुश्किल हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति वृश्चिक राशि के लोगों को सजग रहना चाहिए। तो धनु
राशि के चौथे घर में राहु का भ्रमण रहेगा। इन 18 महीनों में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। मकान जिस घर में रहते हैं वह मकान भी आपका परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु का भ्रमण जब फोर्थ हाउस में होता है तो व्यापार या घर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। आपकी माता का स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है। अगली राशि मकर है। मकर राशि के तीसरे घर में राहु का भ्रमण रहेगा। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपका आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको शत्रुओं पर विजय मिलेगी, लेकिन अपनों से मनमुटाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि तीसरे घर का राहु अपने भाई बंधुओं से किसी बात पर आपका मनमुटाव पैदा कर सकता है। सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अपनों से बड़ों का सम्मान करते हुए ही कोई निर्णय करना चाहिए। अगली राशि कुंभ है। कुंभ राशि के दूसरे घर में राहु का भ्रमण रहेगा। अकस्मात आपको अचानक आपको लाभ या हानि हो सकता है। पेट रोग आपको परेशान कर सकता है। परिवार में भी कुछ आपको अशांति का वातावरण दिखाई दे सकता है। अंतिम राशि मीन है। मीन राशि के पहले घर में राहु का भ्रमण रहेगा। आपको कुछ समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। अगले 18 महीनों का समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अचानक लाभ या अचानक हानि होने की प्रबल संभावना रहेगी, लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा।